ऐसा काफी मतलब एक ऐसी जगह गए थे जहाँ मैंने जिंदगी में पहली बार गया था, वो भी ज्योति की वजह से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है और आप सभी का स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त हो रहा है, आप सभी को सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम जग गए, ज्योति जग गई है, परी अभी सो रही है, ज्योति उठ के काम धाम कर रही है। आज से परी को स्कूल भेजना है दोस्तों, क्योंकि हम तीनों का तबीयत खराब है। तो परी भी स्कूल नहीं जा रही थी, वैसे तो दशहरा का छुट्टी चल रहा था, छुट्टी के बाद स्कूल रीओपन हुआ तो दो दिन से नहीं जा रही है स्कूल। आज भेजेंगे उसको, दो तीन दिन से दवा खा रही है, ठीक है। ज्योति का भी तबीयत खराब है, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मेरा भी, तीनों आदमी दवा खा रहे हैं लोग दोस्तों। और जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल देख पा रहे होंगे लोग, कि ज्योति के वजह से मतलब हम अपनी पूरी लाइफ में एक ऐसा काफी मतलब एक ऐसी जगह गए थे जहाँ मैंने जिंदगी में पहली बार गया था, वो भी ज्योति की वजह से। और ना मैं वो मेला में ही गया था, लेकिन वीडियो लेट जाएगा क्योंकि हम लोग तीनों आदमी का तबीयत खराब है, तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तबीयत खराब होने पर सब काम लेट हो रहा है। तो आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाएंगे कि ज्योति की वजह से हम अपनी लाइफ में पहली बार कहाँ गए थे। बना रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। मतलब ज्योति क्या कर रही हो तू? बाबू के नाश्ता बना देते हैं। हाँ बहुत टाइम है, भाई से बिना पैर उठाए, बिना पैर उठाए टांगना है, बिना पैर उठाए आ गया हम किचन में। आप सभी से दिखाने हैं ज्योति क्या बना रही है बाबू के लिए नाश्ता। यहाँ आलू बॉयल किए हैं बाबू के लिए, आलू पराठा बनेगा, साथ ही साथ हमें भी मौका मिलेगा खाने का, बाबू के साथ साथ हम लोग भी खा लेते हैं। नहीं तो ऐसे कौन ऐसे नहीं बनाते हैं लोग सुबह सुबह कुछ नाश्ता वगैरह, कुछ ना कुछ खा लेते हैं लोग, जैसे रोटी वोटी बन जाता है। तेल वाला चीज नहीं बनता, तेल वाला ज्यादा नहीं बनाते हैं दोस्तों, उसको कुछ खा ये नहीं पाती है। और वैसे भी बाबू को आलू पराठा बहुत ही पसंद आता है। आज आलू पूरी बनाएंगे। आलू पूरी तो जल्दी बनाओ, बाबू के स्कूल का टाइम हो जाएगा। साफ कर दी टेबल, पहले टेबल वेबल साफ कर लो, हम बाबू को जगाते हैं। परी दोस्तों, परी को जगा रहे हैं। ए मेरा बच्चा। अब पता है दोस्तों, बाबू बोलती है इनको कलुआ। हमको प्यार से सीख गए, कलुआ बोलती है। एक दिन हम ही इनको बोल दिए ना, एक कलुआ, तो ये उस दिन से बोल दिए। अब डांटने को करे पापा, मैं प्यार से बोल रही हूँ। ए बेटा देखो कौन है, कलुआ। ओए देखो कौन आया, कौन आया, देखो देखो तो सही कौन आया है, उठ के देखो तो सही। जो मजा सोने में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। मजा आता है सोने में, लेकिन जिम्मेदारी हर एक इंसान के पास है, उठना पड़ता है। ए, लाल तू भी उठ जा, तेरे पास भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, तू ऐसे स्कूल जाएगा। उठो बेटा, पढ़ लिख के फौजी बनना है ना। परी अब कल मैं बोलेंगे तुम्हारे। पूरा सर और ढक के सो गई है। मजा आता है सोते हुए आदमी को चिढ़ाने में। मेरी परी 2024 में चले जाएगी वन में। टीचर हाँ। बोले हैं कि इसको डायरेक्टली वन में कर दे रहे हैं। कजी मिस से पूछ रहे थे कि पढ़ने में कैसी है, तो मिस बोली कि बहुत अच्छी है पढ़ने में। तो पूछे कि वन क्लास में जा सकती है, तो मिस बोली कि हाँ वन क्लास में जा सकती है। तो बोले कि नेक्स्ट ईयर जब मतलब नेक्स्ट बार जब एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम जो होता है, तो उसके बाद इसको डायरेक्ट एलकेजी यूकेजी में नहीं, डायरेक्ट वन में भेज दिया जाएगा। कितना खुशी है दोस्तों कि आपने मेरा बच्चा। और किसी के साथ साथ
खुशी के आंसू नहीं, खुशी के खांसी निकल रहे हैं दोस्त। वही ना बोल रहे हैं, ऐ लाल मेरे बच्चे रखियो। इसको भी खांसी हो गया है। ये कहिए कि आराम है, दो दिन से दवा खा रही है ना खांसी का, थोड़ा सा आराम है, नहीं बहुत ही ज्यादा खांस रही थी। और दोस्तों ये देखिए फर्स्ट टाइम आलू पूरी, अब कितना सुंदर फूल रहा है ना। आइए आपको इधर से दिखाते हैं। ये देखिए अभी तीन दिन बना, इसमें पूरा आलू है और थोड़ा सा आटा है और बिना पानी का सना हुआ है, और बिना पानी का सना हुआ है। फिर हम बाबू को नाश्ता करा रहे हैं, और ये देखिए मेले में से खरीदवाई थी, खेल रही है अभी। ये हम खरीदे थे क्योंकि बचपन में हम भी खरीदवाए थे ऐसा। और ज्योति अब पूड़ी लेके आई है, बोल रही है कि इसको खाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है देखते रहें देखते रहें। हाँ दोस्तों, ये पहली बार हम बना है, इतना सुंदर सुंदर फूला है ना दोस्तों कि हम क्या बताएं। बोल रही है खाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है ऐसे ही रख के दिन भर देखते रहें। इतना सॉफ्ट है ना रूई की तरह। ये देखिए परी को खिला रहे हैं दोस्तों, जो लोग नहीं बनाए खाओ वो प्लीज मेरे कहने पे एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत सुंदर, इतना सुंदर बनेगा ना दोस्तों कि आपको मन करेगा कितना बना दे। इसको देख के मेरे को खाने का थोड़ा सा ही मन नहीं है, मन कर रहा है इसको ऐसे ही बैठ के निहारे। ले ली देगो? हाँ एगो दो। बाबू को स्कूल छोड़ के आ गए और ज्योति खेल रही है बाबू के खिलौने से। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ गया था, ज्योति हमें कहाँ भेजी थी। तो यहाँ से उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हे गाइस, अभी ज्योति और परी दोनों को मेला घुमा के उनको रूम छोड़ दिए, और उसके बाद कुछ दोस्तों के साथ हम चले आए गोपालगंज यहाँ का मेला घूमने। तो यहाँ का भी मेला आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। फिलहाल अभी हम राजा दल के पास, सबसे पहले यहाँ चलते हैं घूमने और आप सभी को भी घुमाते हैं। तो यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं, सब लोग अपना अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं लोग। और ये है राजा दल का गेट, अभी यहीं से एंटर करेंगे हम लोग। बाकी काफ़ी खूबसूरत है, हम पहली बार आए हैं दोस्तों यहाँ गोपालगंज का मेला, जबकि हम गोपालगंज के ही रहने वाले हैं, लेकिन कभी नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो देखते हैं, एक्साइटेड तो बहुत ही ज़्यादा है अंदर जाने के लिए। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है अंदर। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है दोस्तों इसको, यहाँ झूमर वगैरह भी लगाया गया है। सजावट काफी अच्छा हुआ। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं राजा दल पूजा पंडाल के पास, और देखिए कितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है, पूरे फोम से इसको बनाया गया है, इसको डेकोरेट किया गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाते हैं हम, काफ़ी खूबसूरत बना है दोस्तों, मन खुश हो गया देख के। दोस्तों एक बार प्रेम से बोलिए जय माता जी, और अभी हम पहुंच गए माता जी के पास। यहाँ देखिए यहाँ से आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, वाह कितना अच्छा सजाया गया है। और अभी दोस्तों यहाँ से घूमने के बाद निकलते हैं लोग कहीं और, चलते हैं लोग कहीं और घूमते हैं और आप सभी को भी घुमाते हैं। यहाँ से भी देखिए गेट कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और अभी हम लोग पहुँचते हैं दोस्तों यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है न्यू राजदल, श्री राम न्यू राजदल। और यहाँ का ये पूजा पंडाल है जो कि काफ़ी भव्य है, और काफ़ी अच्छे से बहुत ही अच्छे से इसको भी सजाया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर और यहाँ भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं और आप सभी को भी घुमाते हैं। ये देखिए बाहर का डेकोरेशन है,
बाहर इतना अच्छा है तो अंदर और भी अच्छा होगा। चलिए चलते हैं और माता रानी का दर्शन भी करेंगे साथ ही साथ। ये देखिए लाइटिंग वगैरह कितना अच्छा है, काफी आकर्षक है लाइटिंग वगैरह यहाँ का। और मंदिर के सामने ये लाइट लगा हुआ है जो कि मल्टी कलर में जल रहा है, तो इसका कलर चेंज होते रह रहा है। अभी वाइट है, फिर ब्लू हो गया, अभी रेड हो गया, तो ये और भी, और ये भी पंडाल फोम से ही बनाया गया है। काफ़ी मेहनत लगा होगा इसको बनाने में। तो चलिए चलते हैं अंदर, माता रानी का दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। अच्छा चला रहा है ये स्वागत के लिए था। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से सजाए गए। तो जी यहाँ से भी दर्शन करके और निकल लिए हम लोग आगे की ओर, और वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ भी कुछ यूनिक चीज़ ही बना हुआ है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग, और फाइनली हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ देखिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ कैसा पंडाल बना हुआ है। तो यहाँ देखिए जी चंद्रयान बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, आकर्षक लग रहा था। और साथ ही साथ बगल में यहाँ पूजा पंडाल के जगह एरोप्लेन बनाया गया था, और एरोप्लेन के अंदर माता रानी की मूर्तियां रखी गई थी, जो अभी बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत, और यहाँ फ्लैग भी लगाया गया था हमारे देश का। तो अभी चलेंगे हम अंदर और अंदर जाके आपको भी दर्शन करवाएंगे। काफ़ी बड़ा एरोप्लेन बनाया गया था। और तो जी ये है प्रवेश द्वार, अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। और ऐसा महसूस हो रहा है ना कि हम एरोप्लेन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ देखिए उसी हिसाब से इसको डेकोरेट भी किया गया है, इस पंडाल को एरोप्लेन जैसा। और यहाँ है माता रानी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी के। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी के हर एक मनोकामनाएं पूरी करें। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों।